Hello everyone, welcome to An Academy. This is Devashree here. आज का जो टॉपिक है वो है आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला. सबसे पहले आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स क्रैक सी एस आई यू जी सी नेट के यूट्यूब चैनल पे और जो कि अन अकेडमी का एक चैनल है. और यहाँ अगर आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे रेफरल कोड से Deepa1. बेनिफिट्स क्या क्या है आपको? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है जो कि CSIR के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं. किसी भी एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई आपका लिमिटेशन नहीं होता है, राइट. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम प्राइस की बात करते हैं, अगर आप एक महीने के लिए जुड़ते हो तो प्राइस है 2100 रुपये, अगर आप 3 महीने के लिए जुड़ते हैं तो प्राइस है 5250, अगर आप 6 मंथ्स के लिए जुड़ते हैं तो प्राइस है 9450, 12 महीने के लिए है 11550 एंड फॉर 24 मंथ्स इट इज अराउंड 16800, राइट. अगर आप मेरे कोड को यूज करते हैं Deepa1 तो आपको क्या मिलेगा? आपका जो रिड्यूस्ड अमाउंट होगा वो है 1890-4725, 6 मंथ्स के लिए 8505, 12 मंथ्स के लिए 10395 एंड फॉर 24 मंथ्स इट इज 15120. और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी एक लेके आए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बहुत हेल्पफुल है कि अगर आप अनअकैडमी के क्लासेस अटेंड करना चाहते हो CSIR UGC नेट का, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, आपको मेरा रेफरल कोड डालना है Deepa, या तो आप Deepa1, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हो, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस के लिए, मेरे क्लासेस, किसी के भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है. सो फॉर क्लासेस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पे दे रही हूँ. फ्री ऑफ कॉस्ट का जो क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस, वो आप मेरे कोड अगर आप लगाओगे Deepa और Deepa1 तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी. आप बिल्कुल फ्री सेशंस अटेंड कर सकते हो, मेरा भी सेशंस अटेंड कर सकते हो. मेरा स्पेशल क्लास रहता है हमेशा 8:30 PM को, रात को, और अगर किसी दिन मेरे को टाइम मिलता है तो मैं 6 o'clock भी स्पेशल क्लास लेती हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए तो आप मेरा कोड Deepa या Deepa1 को यूज करके अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी एडुकेटर के क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. मेरे से लेके और भी जो भी कोई एडुकेटर्स हैं आप अटेंड कर सकते हो. आज जो हम डिस्कस करेंगे, क्या डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, क्या हम आज डिस्कस करेंगे? हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला. डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला. डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट. तो सबसे पहले अगर हम ड्रोसोफिला की ये मैंने आपके सामने ड्रोसोफिला रखा है, राइट. तो डॉर्सो वेंट्रल पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें जानना है एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, डॉर्सल कौन सा है एंड वेंट्रल कौन सा है, राइट. तो उसके लिए हम बिफोर इस टॉपिक में जाने से पहले हमें ये वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर करना बहुत जरूरी है, राइट. अगर हम एंटीरियर की बात करते हैं तो एंटीरियर कौन सा है? ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट. अगर हम पोस्टीरियर की बात करते हैं तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या? पोस्टीरियर पार्ट, राइट. ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं डॉर्सल पार्ट, जो कि आपका बैक साइड होता है. और अगर हम वेंट्रल साइड की बात करते हैं, ये वाले पार्ट जो होते हैं ये है आपका वेंट्रल पार्ट, या तो आप बोल सकते हो बेली साइड, बेली साइड, राइट. तो ये हो गया क्या? एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस्ट, जो कि ड्रोसोफिला में है. एंटीरियर जब भी हम बोलेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, और जब भी हम पोस्टीरियर बात
के बारे में बात करेंगे। पोस्टीरियर साइड विल बी दिस वन, सॉरी अगर हम डॉर्सल की बात करते हैं तो दिस साइड विल बी डॉर्सल, जो कि हम बैक साइड बोल सकते हैं राइट सिंपल लैंग्वेज में। और अगर हम वेंट्रल की बात करते हैं तो ये वाला साइड होते हैं वेंट्रल, जो कि आपका बेली साइड होता है राइट। अब जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है डॉर्सो वेंट्रल के लिए भी कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइट। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के बारे में। जो आपके एंटीरियर एक्सिस को फॉर्म करवाते थे वो प्रोटीन्स क्या क्या थे आपका, वो प्रोटीन्स थे आपका बाइकॉइट एंड हंचबैक राइट। और जो आपके पोस्टीरियर पार्ट को करवाते थे वो था आपका नैनोस एंड कॉडल, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में राइट। तो आज वाला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या डॉर्सो एंड वेंट्रल एक्सिस का। अगर हम डॉर्सो एंड वेंट्रल एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, जो आपका डॉर्सल साइड होते हैं और वेंट्रल साइड, इनके फॉर्मेशन के लिए कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइट। जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेंट्रल एक्सिस को बनाना, वेंट्रल कौन सा पार्ट था बेली साइड वाला पार्ट राइट। जो भी जीन बेली साइड वाले जीन को फॉर्म करते थे उसको हम बोलते हैं डॉर्सल जीन राइट। डॉर्सल जीन क्या करेंगे, डॉर्सल जीन डॉर्सल प्रोटीन को बनाते हैं राइट। ये जब डॉर्सल प्रोटीन जब भी फॉर्म होगा ये उस साइड को किस में कन्वर्ट करेगा, उस साइड को ये वेंट्रल एक्सिस में कन्वर्ट करवा देता है। क्लियर। अब बात है कि डॉर्सल जीन, देखो ये बहुत ही इसका केस आपको ऐसे याद रखना है, जो डॉर्सल जीन है वो डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन नहीं करवाता है राइट। डॉर्सल जीन जो होता है आपका डॉर्सल जीन वो क्या करते हैं, वो बेसिकली डॉर्सल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं, और ये डॉर्सल प्रोटीन क्या करते हैं डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इंस्टेड ये वेंट्रल साइड का फॉर्मेशन करवाते हैं। क्लियर हुआ बात, ध्यान से देखना, जो डॉर्सल प्रोटीन है कौन सा पार्ट को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके वेंट्रल पार्ट को, यही वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर। और डॉर्सल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, डॉर्सल प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, डॉर्सल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म में। क्लियर हुआ। तो जब भी हम डॉर्सल जीन के बारे में बात करेंगे वो क्या करेंगे, वो वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करवाता है। अभी क्या होता है, अगर डॉर्सल है, देखो ट्रांसलोकेशन ऑफ डॉर्सल इनटू न्यूक्लियाई ऑफ वेंट्रल सेल्स हेल्प्स इन द वेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो मैं आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल डायग्राम में समझाऊंगी ताकि आपको मोर क्लियर हो राइट। अभी आपको क्या याद रखना है, जो डॉर्सल जीन है वो आपके डॉर्सल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो कि आपका वेंट्रल एक्सिस को फॉर्म करते हैं राइट। ये हो गया। अगर हम कैक्टस की बात करते हैं, कैक्टस बेसिकली एक प्रोटीन है, ये है कैक्टस, एक प्रोटीन है जो क्या करते हैं आपका, जो डॉर्सल को बांध के रखते हैं, मतलब डॉर्सल को होल्ड करके रखते हैं, ये हो गया डॉर्सल प्रोटीन राइट। एक्सक्यूज मी। अब क्या होता है, जो कैक्टस प्रोटीन है वो क्या करते हैं, वो डॉर्सल को होल्ड करके रखते हैं राइट। जब भी वेंट्रलाइजेशन की फॉर्मेशन की जरूरत होती है या वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन होता है तो ये कैक्टस में क्या होता है आपका, ये जो कैक्टस है इसमें आपका एक फॉस्फेट आके बैठ जाते हैं। जैसे ही ये फॉस्फेट आके बैठ जाते हैं ये जो डॉर्सल पार्ट है ये रिमूव्ड हो जाते हैं राइट। रिमूव होके डॉर्सल वाला पार्ट कहाँ चले जाते हैं, ये जो डॉर्सल वाला पार्ट है ये डॉर्सल वाला पार्ट आपके चले जाते हैं न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियाई में, वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियाई में। क्लियर। और क्या करवाते हैं, ये वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो आप ध्यान से देखना, जब कैक्टस डॉर्सल को होल्ड करके रखते हैं तो क्या होगा आपका, जो प्रोटीन जो कैक्टस डॉर्सल को होल्ड करके रखा है मतलब डॉर्सल फ्री नहीं है, अगर डॉर्सल फ्री नहीं है तो डॉर्सल न्यूक्लियाई वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियाई में नहीं पहुंचेंगे, और अगर डॉर्सल वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियाई में नहीं पहुंचेंगे तो वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं होगा राइट। तो वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन के लिए कैक्टस को डॉर्सल को फ्री करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्री कैसे करवाते हैं, बाय फॉस्फोराइलेशन।
जैसे ही कैक्टस में फॉस्फोराइलेशन होता है, इमीडिएटली आपका जो डॉर्सल प्रोटीन है वो रिलीज्ड हो जाते हैं कैक्टस से, फिर ये आपके वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियाई में पहुंचते हैं, जिसके थ्रू ये वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करवाते हैं, राइट? ये हो गया कैक्टस एंड डॉर्सल। अगर मान लो किसी भी सेल में कैक्टस एब्सेंट है, ये है कैक्टस, राइट? इसका फंक्शन क्या है, ये डॉर्सल को होल्ड करके रखते हैं, एज ए रिजल्ट डॉर्सल क्या करते हैं, वेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर कैक्टस ही एब्सेंट है, यही क्या है, एब्सेंट है, अगर कैक्टस एब्सेंट है तो क्या होगा, डॉर्सल फ्री हो जाएगा। यस, जैसे ही डॉर्सल फ्री हो जाएगा, डॉर्सल कहाँ मूव ऑन करेंगे, ये मूव करेंगे वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियस में। डॉर्सल मूव्स इनटू द न्यूक्लियाई ऑफ वेंट्रल सेल्स, ये वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियाई में मूव करेंगे, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर हुआ? तो कैक्टस क्या करते हैं, नॉर्मली कैक्टस डॉर्सल को पकड़ के रखते हैं, राइट? और अगर डॉर्सल को फ्री करवाना होता है कैक्टस से, तो कैक्टस का फॉस्फोराइलेशन जरूरी होता है, राइट? जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है, डॉर्सल फ्री हो जाते हैं, डॉर्सल मूव ऑन करते हैं वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियस में, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एम्ब्रायो को वेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप बेली साइट का फॉर्मेशन करवाते हैं। लेकिन अगर कैक्टस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो डॉर्सल बाउंड रहता है कैक्टस से, सो इसके लिए क्या होता है, आपका वेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो इसको वेंट्रलाइजेशन करवाने के लिए फॉस्फोराइलेशन करना कैक्टस का इम्पोर्टेंट है, राइट? अगर मान लो म्यूटेशन हो जाता है कैक्टस प्रोटीन में, अगर म्यूटेशन केस होता है, क्या होता है, कैक्टस एब्सेंट हो जाते हैं, एक्सक्यूज मी, म्यूटेशन के थ्रू अगर कैक्टस एब्सेंट होते हैं तो वो क्या करवाते हैं, वो करवाते हैं आपका वेंट्रलाइजेशन, किसका, एम्ब्रियो का, राइट? ये हो गया आपका बेसिक पार्ट। अब हम देखते हैं डॉर्सलाइजेशन। जो डॉर्सलाइजेशन होते हैं, डॉर्सलाइजेशन के लिए आपका जो प्रोटीन रोल प्ले करते हैं उसका नाम है आपका गुरकिन प्रोटीन। नाम क्या है, गुरकिन प्रोटीन, राइट? ये गुरकिन प्रोटीन क्या करते हैं, जहां भी प्रेजेंट होते हैं गुरकिन प्रोटीन, ये सेल को क्या करते हैं, गुरकिन प्रोटीन सेल को डॉर्सलाइजेशन या फिर आप डॉर्सल एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? तो गुरकिन क्या करते हैं, गुरकिन सिग्नल देके डॉर्सलाइजेशन में कन्वर्ट करवाते हैं, राइट? तो गुरकिन बेसिकली एमआरएनए के फॉर्म में सिंथेसाइज्ड होते हैं, और गुरकिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, इसका सिंथेसिस होता है ऊसाइट्स में। मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगी आपको, पहले आप पॉइंट्स को समझ लो, तब डायग्राम देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? तो गुरकिन जो होते हैं, गुरकिन क्या करते हैं, गुरकिन जब भी प्रेजेंट रहता है ये डॉर्सलाइजेशन करवाते हैं एम्ब्रियो का। डॉर्सलाइजेशन का मतलब क्या है, ये बैक साइड का फॉर्मेशन करवाता है। अब क्या है, जो गुरकिन है वो एमआरएनए के फॉर्म में सिंथेसाइज्ड होते हैं। कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं, ऊसाइट्स में होता है, राइट? अब गुरकिन क्या करते हैं, एमआरएनए से गुरकिन आपका प्रोटीन बनाते हैं, राइट? क्या करते हैं, गुरकिन प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो गुरकिन प्रोटीन है ये बाइंड करते हैं आपका टॉर्पेडो रिसेप्टर से, राइट? जो गुरकिन प्रोटीन होते हैं वो किससे बाइंड करते हैं, टॉर्पेडो रिसेप्टर से। जैसे ही गुरकिन प्रोटीन और टॉर्पेडो रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, ये इमीडिएटली डॉर्सलाइजेशन एम्ब्रियो का करवाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे अच्छा डायग्राम से पहले मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डायग्राम से पहले मुझे आपको यहाँ पे एक चीज बताना है। जो टॉर्पेडो है बेसिकली ये क्या है, ये एक रिसेप्टर है जो कि प्रेजेंट होता है आपका फॉलिकल सेल्स में। टॉर्पेडो क्या है, एक रिसेप्टर है जो कि आपका प्रेजेंट होता है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग सेल्स में, मतलब ये फॉलिक्यूलर सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, ये बाइंड करते हैं आपके गुरकिन से, राइट? अभी अगर हम डायग्राम देखेंगे तो आप ये देखो, ये एम्ब्रियो है, राइट? ये वाले जो रेड कलर के जो सेल्स है, ये सेल्स क्या है, आपका फॉलिकल सेल्स होता है।
और इन्हीं फॉलिकल सेल्स में आप ध्यान से देखो, ये जो है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टॉर्पेडो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? टॉर्पेडो रिसेप्टर। क्लियर? और ये वाला जो है, ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये है आपका न्यूक्लियस। ये वाले सेल्स हैं नर्व सेल्स, और ये जो सेल्स है इसको हम बोलते हैं ओसाइट। और ये जो पिंक कलर के आप देख रहे हो, ये क्या है? ये है आपका घुर्किन। क्लियर? अब देखो घुर्किन जो है, अब ध्यान से देखो, जो घुर्किन है, जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। जो घुर्किन प्रोटीन है, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपके टॉर्पेडो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जैसे ही घुर्किन प्रोटीन टॉर्पेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, वो क्या करते हैं, डोर्सलाइजेशन करवाते हैं एम्ब्रायो का। आप अगर ध्यान से देखो, ये देखो, ये है आपका क्या, ये है आपका टॉर्पेडो रिसेप्टर। टॉर्पेडो रिसेप्टर ये किसके साथ बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा घुर्किन के साथ। यहाँ पे मैंने फिर भी बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये बाइंड करेगा घुर्किन के साथ, राइट? जैसे ही घुर्किन और टॉर्पेडो रिसेप्टर बाइंड करते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये वेंट्रलाइजेशन करवाते हैं एम्ब्रायो, सॉरी, ये घुर्किन और टॉर्पेडो क्या करते हैं, डॉर्सलाइजेशन करवाते हैं। घुर्किन जैसे ही टॉर्पेडो के साथ बाइंड करेगा, ये क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं डॉर्सलाइजेशन ऑफ द एम्ब्रायो। क्लियर एवरीवन? डॉर्सलाइजेशन करवाते हैं एम्ब्रायो का। क्लियर एवरीवन? एक्सक्यूज मी। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के लिस्ट रखे हैं जो क्या करते हैं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करवाते हैं, दूसरे तीसरे को एक्टिवेट करवाते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कैस्केड सिग्नलिंग में रोल प्ले करते हैं। वो है आपका डॉर्सल। डॉर्सल हमने देखा, जब भी डॉर्सल प्रोटीन कहीं भी प्रेजेंट होगा तो वो वेंट्रल साइड का फॉर्मेशन करवाते हैं। जो घुर्किन होते हैं, घुर्किन और टॉर्पेडो, ये रिसेप्टर बाइंड करके एम्ब्रायो को डॉर्सल साइड में कन्वर्ट करवाते हैं। इन दो रिएक्शन में हेल्प करने के लिए बहुत सारे ये प्रोटीन्स हैं, राइट? जो कि कैस्केड वे में काम करते हैं, मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, ऐसे ऐसे ये काम करते हैं, राइट? तो जो प्रोटीन्स है, पाइप है, कैक्टस प्रोटीन हमने देखा, कैक्टस क्या करते हैं, डॉर्सल को पकड़ के रखते हैं। जैसे ही कैक्टस में फॉस्फोराइलेशन होता है, डॉर्सल छूट जाता है, राइट? नेक्स्ट है ट्यूब, टॉल, स्पैजल, एस्टर, स्नेक, न्यूरल, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव। अब हम देखेंगे एक से एक को। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पोलैरिटी इन ड्रोसोफिला। अब ध्यान से देखना, समझना, ये है आपका एम्ब्रायो, ये जो है ये आपका नर्व सेल्स है जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। ये वाले जो पार्ट है, ये है आपका फॉलिकल सेल जो मैंने अभी आपके डायग्राम में दिखाया था। कहाँ? ये देखो, ये वाले फॉलिकल सेल्स, राइट? यहाँ पे ये जो है, ये है आपका फॉलिकल सेल्स। यहाँ पे क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये आपका क्या है, बेसिकली ये है आपका न्यूक्लियस, राइट? अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये मूव ऑन करते हैं। ये जो सेल है, सेल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। अब क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस होते हैं, ये आपके एमआरएनए, ये देख रहे हो आप, ये एमआरएनए है। कौन सा एमआरएनए? घुर्किन एमआरएनए है, राइट? अब ये घुर्किन एमआरएनए क्या करेंगे, ये घुर्किन एमआरएनए आपके बाइंड करेंगे टॉर्पेडो रिसेप्टर से। ये देखो, टॉर्पेडो रिसेप्टर से। जैसे ये घुर्किन एमआरएनए टॉर्पेडो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ये किसका फॉर्मेशन होगा, डॉर्सल साइट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, देखो, ये न्यूक्लियस है, इस पार्ट को मैंने एनलार्ज्ड यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, घुर्किन एमआरएनए का प्रोडक्शन करेंगे। घुर्किन एमआरएनए आपका कहाँ जाएगा, फॉलिक्यूलर सेल्स में मूव ऑन करेंगे, जहां ये टॉर्पेडो के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एंड क्या क्या करवाएगा, सेल को आपका कन्वर्ट करवाते हैं डॉर्सल साइड में, राइट? नेक्स्ट पार्ट में आप देखो, यहाँ जैसे ही टॉर्पेडो और घुर्किन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, ये एक प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। कौन सा प्रोटीन? इनहिबिशन ऑफ पाइप प्रोटीन को ये इनहिबिट करते हैं। कौन? टॉर्पेडो और घुर्किन।
और ये वाले साइड किस में कन्वर्ट होते हैं, ये वाले साइड कन्वर्ट होते हैं आपका डॉर्सल साइड में, राइट। नेक्स्ट अगर हम वेंट्रल सेल की बात करते हैं तो वेंट्रल सेल में गुरकिन और टॉर्पेडो नहीं होता है, नहीं होने के वजह से जो आपका पाइप प्रोटीन होते हैं वो सिंथेसिस होता है पाइप प्रोटीन का। जैसे ये पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं, ये क्या करते हैं आपका, ध्यान से देखना, ये पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ये किसी भी एक एक्स फैक्टर जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इस एक्स फैक्टर को मॉडिफाई करते हैं। एक्स फैक्टर न्यूडल फैक्टर के साथ, ये देखो ये न्यूडल फैक्टर और ये एक्स फैक्टर दोनों बाइंड करके गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव जीन को क्लीव करते हैं। ये कौन सा है, ये सीरीन प्रोटीएज नेचर के हैं। एक्सक्यूज मी, सीरीन प्रोटीएज मतलब क्या, ये क्लीवेज के थ्रू काम करते हैं, राइट। और जीडी का फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस जीन को क्लीव करते हैं। ये वाले जीन क्या करते हैं, स्नेक को एक्टिवेट करते हैं। स्नेक किसको फिर क्लीव करते हैं, एस्टर को, एस्टर स्पेजल को, जैसे मैंने बोला था कैस्केड, एक दूसरे को एक्टिवेट करवाते हैं, राइट। स्नेक एस्टर को, एस्टर स्पेजल को, स्पेजल फिर क्या करते हैं, टॉल के साथ जाके आप देख सकते हो स्पेजल किसके साथ बाइंड है, टॉल के साथ बाइंड है, राइट। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये फिर आपके एक्टिवेट करवाते हैं पेल एंड ट्यूब को, क्लियर। अब पेल और ट्यूब क्या करते हैं, ये डॉर्सल को, ये कैक्टस को फॉस्फोराइडेट करते हैं। जैसे ही कैस्केड, जैसे ही आपका पेल ट्यूब कैक्टस को फॉस्फोराइडेट करते हैं, ये डॉर्सल फ्री हो जाते हैं, डॉर्सल न्यूक्लियस में घुसते हैं, अंदर चले जाते हैं, और ये किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, ये आपका वेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं। इज दिस क्लियर, यस एवरीवन। ये वाला है आपका, ये करवाते हैं वेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन, राइट, क्लियर। तो क्या ध्यान देना है, आपका डॉर्सल टॉर्पेडो और गुरकिन दोनों मिलके डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन करवाते हैं, ये पाइप को इनहिबिट करते हैं डॉर्सल साइड में। तो अब टॉर्पेडो जो है ये आपके वेंट्रल साइड में एब्सेंट है, तो इसीलिए पाइप एक्टिवेट होते हैं, पाइप एक्स फैक्टर को मॉडिफाई करते हैं, एक्स और न्यूडल बाइंड होके आपके गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव को एक्टिवेट करते हैं। ये स्नेक को करते हैं, स्नेक एस्टर को करते हैं, एस्टर स्पेजल को करते हैं, स्पेजल कहाँ, टॉल के साथ बाइंड करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि पेल ट्यूब को एक्टिवेट करवाते हैं। ये क्या करते हैं, पेल ट्यूब ये कैक्टस को फॉस्फोराइलेट करवाते हैं। एज ए रिजल्ट जो डॉर्सल है वो एक्टिव होते हैं और डॉर्सल न्यूक्लियस के अंदर मूव होके क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर साइट को वेंट्रल साइट में चेंज करते हैं, राइट। अब ये कुछ म्यूटेशन केसेस है जहां से सीएसआईआर में क्वेश्चंस आते हैं। क्या है, अगर डॉर्सल एब्सेंट है, हमें पता है डॉर्सल अगर प्रेजेंट रहता है तो वो वेंट्रल को करते हैं, राइट, वेंट्रलाइजेशन करते हैं अगर डॉर्सल प्रेजेंट है। अगर डॉर्सल एब्सेंट है तो एम्ब्रायो क्या हो जाएगा, वेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, वेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो क्या फॉर्म होगा, डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रायो, राइट। उसी तरह से अगर डॉर्सल प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो वेंट्रलाइज्ड होगा एम्ब्रायो, राइट। अगर डॉर्सल म्यूटेटेड होगा, म्यूटेटेड या फिर एब्सेंट एक ही है, तो ये डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर म्यूटेशन हुआ गर्किन जीन का, अगर गर्किन प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करवाते हैं। अगर आपका म्यूटेशन हो गया गर्किन जीन में तो ये क्या करवाएगा, ये वेंट्रलाइज्ड करवाएगा एम्ब्रायो को, ये किस में कन्वर्ट करवाएगा, ये वेंट्रलाइज्ड करवाएगा क्योंकि एब्सेंट है, प्रेजेंट होने से डॉर्सलाइज्ड होगा। उसी तरह से अगर टॉर्पेडो रिसेप्टर भी नॉन फंक्शनल होता है तो वो क्या करते हैं, वो वेंट्रलाइजेशन करवाते हैं एम्ब्रायो का। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका डॉर्सल प्रोटीन है वो क्या करवाते हैं, वो बेसिकली आपका क्या करवाते हैं, वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करवाते हैं, क्लियर। डॉर्सल प्रेजेंट, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, गुरकिन प्लस टॉर्पेडो रिसेप्टर है, गुरकिन प्लस टॉर्पेडो रिसेप्टर है, तो ये क्या करते हैं, ये आपके डॉर्सल लाइज्ड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, डॉर्सलाइज्ड साइट का फॉर्मेशन करवाते हैं, डॉर्सलाइज्ड, राइट, डॉर्सल पार्ट को ये फॉर्म करवाते हैं, क्लियर एवरीवन।
यस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हम मेरे फ्री सेशंस भी अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड देबा। इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं देना है, सिर्फ आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है देबा और आप मेरे क्लासेस अटेंड कर सकते हो, राइट। और आप अगर CSI की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। वी विल कम अप विद अनदर सेशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाय बाय। टेक केयर एवरीवन।